हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग जो है वो मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मीठा चीनी वाला पराठा खा रही हूँ और चाय है, और साथ मैंने पैनाडोल भी रखी हुई है बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ माय डे टुडे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी डायरी कलेक्शन शेयर करती हूँ। तो ये मेरी ओवरऑल डायरीज हैं, द फर्स्ट वन बीइंग ये मैंने जो है वो किसी लोकल बुक शॉप मार्केट से ली थी। तो ये मैंने यूज़ की हुई है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स लगाए हुए हैं इसलिए इतनी फ्लफ़ी हो गई है। तो दूसरी डायरी जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी, ये यूके से लेकर आई थी। इट्स रियली प्रिटी एंड वेरी गुड क्वालिटी और बहुत ग्लिटरी डायरी है। आई लव कलेक्टिंग डायरीज एंड स्टेशनरी, सो आई विल बी शेयरिंग मोर कलेक्शंस विद यू इन द फ्यूचर। तो ये सीक्वेंस वाली डायरी है, ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर की थी। सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और ये सीक्वेंसेस का पैटर्न है तो बहुत ही प्रिटी है, चुभती नहीं है बिल्कुल, वेरी सॉफ्ट सीक्वेंसेस ताकि आपको लिखने में और इसको कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आई हैव दिस मेमरी बुक ऑफ अ बेबी बॉय, इसका पूरा इनसाइड व्यू दिया हुआ है मैंने एक और वीडियो में, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप जाए वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट वी हैव दिस पॉजिटिविटी प्लानर, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया और इसका भी डिटेल्ड रिव्यू जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो इट्स वेरी गुड क्वालिटी वीकली प्लानर और टू स्टे ऑर्गेनाइज एक्चुअली इट्स रियली गुड। तो ये दूसरी डायरी जो है ये मुझे कुछ साल पहले मिली थी जब मैं खाड़ी में शॉपिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे मेरी शॉपिंग के साथ एक गिफ्ट की थी ये प्यारी सी डायरी। ये नेक्स्ट डायरी भी मैंने इंस्टाग्राम पेज से ही ऑर्डर की है और बहुत ही प्रिटी पर्पल कलर है और इसके पेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे वो पेजेस अच्छे नहीं लगते जिनके ऊपर आप लिखो तो पीछे उनका जो है वो शेडो आ जाए या कोई मार्क छोड़ दें ताकि आप दूसरा पेज यूज़ ही ना कर पाओ। तो ये एक विश लिस्ट जर्नल है, ये मैंने खुद घर पर बनाया था, घर पर नेट पड़ी हुई थी एंड आई हैव पेन्स एंड पेंसिल्स, सो आई जस्ट मेड इट माई सेल्फ। इसका जो कवर है तो इसके अंदर जो है मेरी विशेज़ लिखी हुई हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं तो आई मेक श्योर कि मैं उनको लिखूँ। देन वी हैव दिस प्रिटी प्रिंसेस वाली डायरी, मैंने दुबई एयरपोर्ट से ली थी, तो ये भी मैंने यूज़ की हुई है, फ्लफ़ी स्टिकर्स की वजह से ये फ्लफ आउट हो जाती है, इट्स रियली प्रिटी एंड फ्लफ़ी। तो ये एक वीकली प्लानर है, ये मैंने मिनीसो से लिया था, तो इसके अंदर वीकली प्लानर भी है और मील प्लान भी कर सकते हो आप और टू डू लिस्ट भी है। सो इट्स वेरी गुड डायरी टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, बहुत प्रिटी पैटर्न है इसका। नेक्स्ट वी हैव दिस वेडिंग प्लानर, इसका भी डिटेल रिव्यू जो है वो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर दिया हुआ है, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, आई विल बी मेंशनिंग द लिंक टू माय वीडियो द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये डायरी जो है वो मुझे स्टेशनरी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिली थी और ये बहुत ही क्यूट सा नोट पैड है, तो ये भी एक इंस्टाग्राम पेज का स्टेशनरी सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। देन वी हैव दिस माई बेली टू बेबी बुक, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर ऑल द प्रेगनेंट लेडीज़ आउट देयर टू मेक मेमोरीज़। तो ये भी मैंने इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था। तो दिस इज़ द ओवरऑल कलेक्शन ऑफ माई डायरी सो फार, डायरी सो फार, आई विल बी कलेक्टिंग मोर डायरीज एंड शेयरिंग इट विद यू गाइज़। तो आज जो है वो मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी रूम की, तो मैंने सोचा कि आज मैं बैग चेंज कर लूँ। ये बैग जो है मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो हद से वापस आई थी, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है इस बैग के साथ, ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर ना शॉपिंग मॉल में शायद उसने इसका टैग नहीं उतरवाया था, जिसकी वजह से मैं जहाँ भी इस बैग को कैरी करती हूँ वहाँ पर जो है वो मुझे किसी अगर शॉप में एंटर होते तो वो डिवाइसेस बोलना शुरू करते थे जस्ट बिकॉज कि इसका टैग रिमूव नहीं हुआ हुआ। तो फाइनली आई एम गिविंग अप ऑन दिस बैग, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है व्हाट्स इन माई बैग, बट इट्स अ ईयर ओल्ड वीडियो एंड दिस इज़ माई रीसेंट व्हाट्स इन माई बैग एज अ प्रेगनेंट लेडी। आई हैव मेकअप, आई हैव फर्स्ट एड किट टू यू नो
लेट गो ऑफ माई नोजिया, आई हैव अ सुवेयर फोबिया व्हेन इट कम्स टू वॉमिटिंग, तो मुझे हर वक्त जो है वो अपने साथ इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं जिससे नोजिया जो है वो क्योर हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपना बैग चेंज कर रही हूँ। तो जी, जो बैग मैं चेंज करूँगी वो चार्ल्स एंड कीथ का ब्लैक कलर का बहुत ही स्टडी बैग है। ये मेरा ग्रेजुएशन गिफ्ट था फ्रॉम माय हस्बैंड। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको इंटीरियर दिखा रही हूँ। तो ये एक अच्छा बैग है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं एंड यू डोंट हैव टू बी यू नो वरी अबाउट कि आपकी जगह टाइट हो रही है तो आप चीज़ें नहीं डाल सकते। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, मैं जो सैनिटाइज़र अटैच करूँगी अपने बैग के साथ, बिकॉज फ़ायदा कोई नहीं है कि अगर आपने ज़िप खोल के ही सैनिटाइज़र लगाना है तो आपका बैग जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो इस पहले तो बैग के साथ, तो यहाँ पर जो है वो मैं चीज़ें वापस डाल रही हूँ बैग के अंदर।
आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो. बी श्योर टू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच सिमिलर कॉन्टेंट इन द फ्यूचर. एंड अंटिल देन टेक केयर.